पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ने के बाद वहां इमरजेंसी लगा दी गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने अपना ब्रिटेन का दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से मदद की अपील भी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। पीएम वहां के शहबाज शरीफ ब्रिटेन जाने वाले थे, उन्होंने अपना ब्रिटेन दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ से ऐसे हालात हो गए हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और ऐसे में पाकिस्तान ने दूसरे देशों से मदद की अपील की है। तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई है जहां बाढ़ बारिश के बाद ऐसे हालात हो गए हैं कि यहां पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए विवेक बाजपेयी, हमारे संवाददाता। विवेक, और क्या कुछ जानकारी इस बारे में? और देखिए, पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया गया है और उसकी वजह ये है कि पूरे पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई हुई है और खासकर शहरी इलाकों में तहमाम मचा हुआ है। अचानक आई बाढ़ से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, उन तमाम प्रांतों में बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है और इसी वजह से न केवल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है बल्कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अपना जो लंदन का एक प्राइवेट विजिट जो उनको जाना था वो उन्होंने कैंसिल की है। कतर से जाने के बाद वो वापस पाकिस्तान में है और यही वजह है कि जो हालात बने हैं पाकिस्तान में उसमें पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर कर रही है लेकिन जिस तरीके की कैजुअल्टी वहाँ पे हुई है, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये मौतें बलूचिस्तान से लेके सिंध कराची में भी हुई है और इसी वजह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी भी शुरू कर दी है। तमाम दुनिया के देशों से ये कहा गया है कि इस राष्ट्रीय में बाढ़ के हालात में पाकिस्तान की मदद करने की जरूरत है। पाकिस्तानी आर्मी तमाम इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जो प्रभावित लोग हैं उनको खाना और जरूरी सामान मुहैया कराए जा रहे हैं और ये आंकड़ा पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक है लगभग 3 करोड़ लोग इस बाढ़ से प्रभावित है, उनको वो बाढ़ में घिरे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है, जरूरी सामान यहाँ पे लेते हैं और पिछले 7-8 दिन के हालात लगातार पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये जो कुदरत का कहर पाकिस्तान में बरपा हुआ है इसी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया गया है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी विदेश दौरा लंदन का वो कैंसिल करके पाकिस्तान में है और एक जो एनडीएमए पाकिस्तान का उसकी मीटिंग बुलाई गई है कि कैसे इस पूरी राष्ट्रीय आपदा से निपटा। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विवेक बाजपेयी बता रहे हैं किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए हैं पाकिस्तान में और अब मदद की अपील भी की गई है तमाम दूसरे देशों से कि पाकिस्तान को इस हालात से उबरने में मदद की जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।